अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आइस एंड स्पाइस विद इसरा में आज हम बनाने जा रहे हैं कीमे का पिज्ज़ा। ठीक है जी, बीफ मिंट पिज्ज़ा बनाने जा रहे हैं हम, जिसमें हम कोल का स्मोक भी देंगे बिल्कुल पाकिस्तानी स्टाइल में। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, मैं पिज़्ज़ा की डो की रेसिपी बता चुकी हूँ डिटेल में, लेकिन फिर एक दफ़ा वापस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने नीम गर्म पानी ले लिया है, 2 टेबल स्पून मैंने इसमें चीनी शामिल कर दी है, जो रेगुलर घर में चीनी होती है वो शामिल कर ली है। इसके बाद मैं इसमें 1 टेबल स्पून भर के जो है वो ईस्ट शामिल कर दूँगी। ठीक है, ईस्ट जो है वो अच्छी कंपनी की लिया कीजिए, और पानी का इसमें बहुत ख्याल रखना होता है कि अगर ज़रा सा भी टेम्परेचर हाई मिल जाता हुआ नीम गर्म से ऊपर हुआ थोड़ा सा, तो आपकी ईस्ट ज़ाया हो जाएगी, फूलेगी नहीं। ठीक है, इसके बाद मैंने इसको मिला के ढक के रख दिया था 1 घंटे के लिए। अब हमने मैदा ले लिया है, मैदा हमारे पास 1/2 किलो है, जिसमें 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट ऐड किया है। ठीक है, 5 to 6 टेबल स्पून मैं इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ। ठीक है जी, इसके बाद जो हमने ईस्ट फुलाने रखी थी, ये देखें कितनी अच्छी सी राइज हो गई है, बिल्कुल ये नीचे से बिल्कुल ऊपर तलक आ गई है फूल के। 1 घंटे में ये ईस्ट मेरी इतनी अच्छी राइज हुई है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि ईस्ट आपने अच्छी क्वालिटी की लेनी है, अच्छी कंपनी की, और दूसरा ये कि आपने इसको नीम गर्म पानी जो है वो बहुत अच्छा सा होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद ये ईस्ट शामिल कर दी है मैंने। ठीक है, इसके बाद मैं इसको गूंद रही हूँ, नीम गरम पानी ही से गूंद रही हूँ। ठीक है, इसमें ना मैंने दूध डाला है ना अंदर डाला है, और ये इतनी सॉफ्ट ब्रेड इसकी बनती है पिज़्ज़ा की, बगैर दूध और अंडे के भी। ठीक है, अब मैं नीम गरम पानी से इसको इतना गूंदूंगी कि हमने इसको ना जैसे पराठे का जो हम आटा बनाते हैं उस तरीके का नहीं बनाना, हमने इसको चिकना आटा बनाना है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये इस तरीके का ये चिकना होना चाहिए। ठीक है ना, मैंने अभी भी देखे पानी और छिड़का है, और मैं फिर गूंद के आपको दिखा रही हूँ कि ये जो आटा है आपने इस तरीके से ज़रा ऐसा रखना है चिपकता हुआ। ठीक है, जितना आटा इस तरीके का होगा उतनी सॉफ्ट आपकी ब्रेड होगी, ये बात आप याद रखिएगा। इसके बाद हम इसको भी ढक के छोड़ देंगे 1 घंटे के लिए। अब हमने लेना है कीमा। कीमा हमारे पास 250 ग्राम है। ठीक है जी, 250 ग्राम हमारे पास कीमा है, इसमें हमने शामिल कर देना है तंदूरी मसाला शान का, और वो शामिल करने हमें 3 टेबल स्पून। ठीक है जी, क्योंकि हम इसमें और कोई मसाला शामिल नहीं कर रहे, इसी में वो बहुत मज़ेदार बनता है। 1 टीस्पून मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ, और अच्छे से तंदूरी मसाला और अदरक लहसुन का पेस्ट मैं कीमे पे अच्छे से मिक्स करके इसको भी 1/2 घंटे के लिए पहले रेस्ट दूंगी कीमे को। इसके बाद जो है हमने एक पैन में 5 टेबल स्पून जितना ऑयल लेना है, और इसमें अपना जो कीमा हमने 1/2 घंटे के लिए रख दिया था मसाला लगा के, उसको जो है वो फ्राई कर लेना है। ठीक है, अच्छा सा हमने कीमे को फ्राई कर लेना है, 15 मिनट में हमारा कीमा रेडी हो जाएगा मीडियम आंच पे। ठीक है जी, क्योंकि कीमा बहुत बारीक है मेरा, तो बहुत जल्दी से ये रेडी हो जाएगा, और हमने अदरक लहसुन लगा के इसको रख दिया था मसाला लगा के, तो इस वजह से भी इसका जो पकने का टाइम है वो आधा जो है वो मैरिनेशन में हो गया होगा, तो जल्दी से 15 मिनट में हमारा जो कीमा है वो रेडी हो गया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने इसको स्मोक देना है। ठीक है, तो आपने कोई भी ऐसा बर्तन लेना है जो आप साथ रख सकें, उसमें आपने कोयला दहका के रख देना है, ऑयल डालना है कोयले पे ताकि अच्छा सा स्मोक निकले, और उसको ढककर छोड़ देना है। अब हमने क्या करना है, अब हमने बनाना है पिज़्ज़ा का सॉस। पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए पहले मैंने 4 टेबल स्पून इसमें जो है वो टोमेटो केचप लिया। अब मैं इसमें 4 टेबल स्पून डाल रही हूँ चिली गार्लिक सॉस। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 4 टेबल स्पून सोया सॉस। कोई बात आपको समझ ना आए तो रेसिपी हमेशा जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखती हूँ, तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है वो चेक कर लिया कीजिए रिटन रेसिपी के लिए। इसके बाद मैंने इसमें चिली सॉस डाला 4 टेबल स्पून। इसके बाद मैंने इसमें सारे मसाले शामिल करी हूँ, जिसमें 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून रेड क्रश चिली, और 1 टीस्पून मैंने इसमें ओरिगानो और थाइम शामिल किया है। ठीक है,
पांच चीजें इसमें डालनी है। रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, वहां जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद मैं इसको मिक्स करूंगी तो थोड़ी सी देर में, ये 5 मिनट भी नहीं गुजरेंगे कि ये एकदम से गाढ़ा हो जाएगा और इसमें बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। बस आपने क्या करना है, 2 मिनट इसको पकाना है। जैसे ही गाढ़ा हो जाए, इसमें बबल्स आना शुरू हो जाए, आपका पिज्ज़ा सॉस हो गया है रेडी। इसके बाद ही मैं आपको आटा खोल के दिखा रही हूँ कि मैंने कितना सा आटा गूंदा था और ये कितना सारा हो गया है, ठीक है। आटा 3 गुना हमारा बढ़ गया है, पूरा जो हमारा बाउल था वो कवर हो गया है। अब हमने क्या करना है, हमने इसको लेना है, इसकी एक रोटी बनानी है रेगुलर साइज की और इसको बेक करके रख लेनी है। ये काम मैंने इसलिए किया है कि अगर आपके घर में मेहमान आने के हैं और आप पिज़्ज़ा बनाने वाले हैं, तो अगर आप उसी टाइम पे पिज़्ज़ा की रोटी रख के और ऊपर से फिलिंग वगैरह सब लगा के बेक करते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया होता है। और कभी कभार ऐसा होता है इतनी ज़्यादा ऊपर टॉपिंग होती है कि बेक जो रोटी है थोड़ी बहुत कच्ची रह जाती है। तो आपने ये करना है कि सबसे पहले आपने एक रेगुलर साइज़ की रोटी बना के बेक करके रख लेनी है। जब भी मेहमान आए आप इस तरीके से ऊपर से लगा के ये भी रख लीजिए सब कुछ। इसके बाद आपने सिर्फ क्या करना है, 5 मिनट के लिए आपने इसकी चीज़ को मेल्ट करना होगा, तो आपका पिज्ज़ा जो है बिल्कुल रिफ्रेश हो जाएगा वापस, ठीक है। रोटी मैंने रेडी करके रख ली थी, 10 मिनट लगे थे रोटी को पकने में, बेक कर ली थी 180 डिग्री पे, ठीक है जी, 10 मिनट के लिए। इसके बाद मैंने पहले इस पर पिज़्ज़ा सॉस लगा लिया जो हमने रेडी किया। इसके बाद मैं अब इस पर जो हमने स्मोक वाला कीमा रेडी किया है वो लगा रही हूँ। और ये बहुत आसान सी मज़ेदार सी ये टिप है कि इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका मेहमानों के साथ जो टाइम आप बैठ के किचन में वेस्ट करेंगे वो नहीं होगा। ये सब आपने कल के रेडी करके रख लेना है, चीज़ भी डाल के रख लेनी है। सिर्फ इस आप जब मेहमान आएंगे आपने इसको चीज़ को 5 मिनट के लिए ओवन में बेक करने के लिए रख देना है, तो आपके फ़ौरन से पिज़्ज़ा रेडी हो जाएंगे। इसके बाद मैंने इसके ऊपर प्याज और शिमला मिर्च चकोर चकोर काट के रख ली थी बारीक, ठीक है जी, वो डाल दी थी। इसके बाद मैं इसमें चेडर और मोज़रेला चीज़ जो है वो ऊपर से डाल रही हूँ। उसके बाद इसको मैंने बेक कर लिया था, 5 मिनट के लिए बेक किया था और हमारी चीज़ फ़ौरन से मेल्ट हो गई और नीचे से जितना भी सब कुछ था वो भी गर्म हो गया, अच्छा सा रिन्यू हो गया। तो ट्राई ज़रूर कीजिए, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।